तो आज का टॉपिक हम लोगों का है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट राइट लाइव क्लास आप देख पा रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुद्दा ये उठता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक क्या है ये क्यों पढ़ते हैं इसकी आवश्यकता क्या है तो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट टॉपिक पे आप ध्यान देना कि सब्जेक्ट वर्व और एग्रीमेंट देखिए बोर्ड पे ध्यान देखिए हर एक चीज को बड़े बारीकी से देखिए सब्जेक्ट एग्रीमेंट इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एग्रीमेंट ये सब्जेक्ट एग्रीमेंटेक्ट में एग्रीमेंट क्यों होता है एस भी एग्रीमेंट बोलते हैं इसी का एक नाम है सिंटैक्स इसी का नाम क्या है सिंटैक्स अब प्रश्न उठता है कि सिंटैक्स क्या भाई इसी का नाम है सिंटैक्स समझना कौशन इसी का नाम है सिंटेक्स राइट right? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम सिंटेक्स कहते हैं अब सिंटेक्स क्या है सभी एग्रीमेंट क्या है तो सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वे स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब यानी सिंटेक्स जो है उस चैप्टर को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के रियल यूज को बताया जाता है यानी सब्जेक्ट वर्ब का जो रियल यूज है उसको समझाने का प्रयास किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वह चैप्टर है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट प्रश्न उठता है कि क्या कभी ऐसा होता है क्या कि सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका वर्ब सिंगुलर हो हो सकता है क्या नहीं ना तो ऐसा नहीं हो सकता फिर कहा है क्या एग्रीमेंट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल तो एग्रीमेंट किस बात का तो एग्रीमेंट agreement... क्यों होता है कैसे होता है तो यह भी सत्य करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो भर्व सिंगुलर हो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भर्व प्लुरल हो तो इसके आधार पर भी काम करना पड़ेगा तभी तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा तो एग्रीमेंट कहता है कि उस चैप्टर के तहत क्योंकि एग्रीमेंट चैप्टर जो है वो देखा जाए कि सब्जेक्ट को कैसे ट्रैंकुलाइज करें यानी सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो कैसे उसको मैनेज करें वर्ब सिंगुलर है कैसे मैनेज करें तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के तालमेल को बिठाया जाएगा बेसिकली हम बात करें आपसे तो आज आपका पूरा टॉपिक सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट पे टिका हुआ है सिंटेक्स पे टिका हुआ है तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लिखिए सिंटेक्स या एग्रीमेंट लिखिए सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सिंटेक्स इज सिंटेक्स इज दैट ब्रांच that branch of English language syntax is that branch of English language English language in which in which we study in which we study in which we study the use of in which we study the use yeah because of the which we study the art of the art of using the art of using correct correct verb ठीक है हमने क्या कहा सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वे स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब यानी सिंटैक्स जो है उस चैप्टर को कहते हैं जिसमें वर्ब के रियल यूज को सिखाता है कि वर्ब का रियल यूज क्या है यानी वर्ब का रियल यूज क्या कहता है इसके अनुसार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं फटाफट उतारो सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वे स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब यानी वर्ब के करेक्ट यूज को सीखने का प्रयास करते हैं उसे हम सिंटैक्स कहते हैं वर्ब के करेक्ट यूज को तो वर्ब का करेक्ट यूज क्या है तो लिख लिया होगा तो पहला इसका कॉन्सेप्ट काम करता है पहला कॉन्सेप्ट काम करता है पहला कॉन्सेप्ट यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा पहला कॉन्सेप्ट यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर भी प्लूरल ही होगा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर भी प्लूरल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर भी प्लूरल जैसे एग्जांपल देखते हैं हमने एग्जांपल लिया द टीचर Is, अब द टीचर पर देखते हैं कि द टीचर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट द टीचर क्या हो गया सब्जेक्ट द टीचर हो गया सब्जेक्ट तो आगे यहां द टीचर इज टीचिंग द टीचर इज टीचिंग यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी सब कॉपी कर रहे हो ना उतार रहे हो ना इसको सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी सिंगुलर यहीं पे हम बोल बोलते कि टीचर टीचर्स तो टीचर्स हो गया सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है तो लगाना पड़ेगा आर तो टीचर्स आर टीचिंग टीचर्स आर टीचिंग अब समझ में आया नहीं है आप द टीचर इज टीचिंग टीचर्स आर टीचिंग ये दो बातें आपको समझ में आ गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब वर् प्लूरल पहला कॉन्सेप्ट आपने उतार लिया होगा आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू आगे बढ़िए फटाफट रुकने का नाम नहीं अगला कहता है कि जब कोई नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो जब कोई भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब

स्टूडेंट एंड क्या लिखा द स्टूडेंट एंड द टीचर ठीक है तो देखो यहां पर नाउन हो गया यहां पर एंड लगा दिया यह भी नाउन हो गया तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन तो भर क्या हो जाएगा जी तो भर्व हो जाएगा प्लूरल तो द स्टूडेंट एंड द टीचर आर गोइंग टू मार्केट ठीक है तो हमने कहा द स्टूडेंट एंड द टीचर तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन तो वर्ब क्या लगा दिया हमने प्लूरल लगा दिया तो बड़ा आसान टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ तक काम समझ में आ गया कि कोई भी दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो हो जाता है प्लुरल लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कहता है यहीं पे कॉन्सेप्ट नंबर थ्री जोड़ दिया हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है नजरें टिकाए रखो नजरें टिकाए रखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बस यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि वर्ब लगा दिया हमने नाउन प्लस एंड प्लस नाउन वर्ब लगा दिया सिंगुलर अब देखो माथा खटका कि नहीं खटका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और भर्म लगा रहा है सिंगुलर इसी को एग्रीमेंट कहते हैं इसी को कहते हैं, इसी को को एग्रीमेंट एग्रीमेंट कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो भर्व हो ही नहीं सकता असंभव है सर देखिए दिखाता हूं करके तो जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ता है तो आजीवन होता है भर प्लूरल भर कैसे एक तरीका है सर ये दोनों को कर दे पार्ट एंड पार्सल क्या कर दें पार्ट एंड पार्सल पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग पार्ट एंड पार्सल का हिंदी होता है अभिन्न अंग अभिन्न अंग अभिन्न अंग अभिन्न अंग।, अंग।, अंग का मतलब क्या होता है भाई कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते जैसे आप कह सकते हो राइस एंड करी राइस एंड करी यानी कढ़ी चावल बोलते हो ना भाई आप बोल सकते हो ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर तो ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट है ना ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट है ना बाबू तो आप बोलो कि ब्रेड एंड ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट तो बोलो ईज आया कि नहीं आया ईज क्यों आया राइस एंड करी इज माई फेवरेट लंच तो राइस एंड करी क्योंकि राइस अकेला नहीं खा सकते ब्रेड अकेला नहीं खा सकते बटर लगा के खाते हो कढ़ी के साथ खाते हो कढ़ी चावल खाते हो ना तो ये दोनों मिलके ये भी नाउन है प्लस एंड प्लस नाउन नाउन प्लस एंड प्लस नाउन होना चाहिए था यहाँ पे आर हो गया क्या इज क्यों भाई इज हुआ क्योंकि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन दोनों पार्ट एंड पार्सल है तो भरो क्या लग जाता है सिंगुलर अब समझ में मुद्दा तो इसमें दो चार वर्ड और है फटाफट लिख लो ना लिखो उतार लिया तक पेन चलाओ तेज आज आज एग्रीमेंट का टॉपिक है दो से तीन क्लास में खत्म कर दूंगा एग्रीमेंट अब जो है टॉपिक स्टार्ट करिए फटाफट आप लिखने का प्रयास करिए पेन फटाफट चलते रहना चाहिए राइस एंड करी नॉन प्लस एन प्लस नॉन भव क्या होगा सिमिलर पार्ट एंड पार से भिन्न अंग है राइस एंड करी ब्रेन एंड बटर लिखो आगे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी लिखो कमेंट नहीं लिखो पढ़ने आया हो लिखो फटाफट लिखो

एंड ग्लोरी जी एल ओ आर वाई क्राउन सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन एंड ग्लोरी जी एल ओ आर वाई क्राउन एंड ग्लोरी लिखो क्राउन एंड ग्लोरी लिख लिया क्राउन 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 एंड एंड ग्लोरी ग्लोरी लिख लिया crown and glory, crown, क्या होता भाई ताज और खुशियां ताज और खुशियां आगे लिखो स्लो एंड स्टडी एस एल ओ डब्ल्यू स्लो एंड स्टडी एस टी ए डी वाई स्लो एंड स्टडी एस टी डी वाई स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे लगातार स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे लगातार कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं यहां तक बात समझ में हम सबको आ गया अब आगे देखने प्रयास करते हैं सबसे पहले आपसे पूछता एग्जाम्पल देखो हमने बोला यहां पे इच बॉय आप राइट right रॉन्ग करना यहां पे बताओ देखता हूं क्या पढ़ रहे हो इतने दिन से इतना दिन से पढ़ा रहा हूं क्या परफॉर्मेंस आपका है देखिए इच बॉय एंड ईच गर्ल

आर बस दो ही ऑप्शन दिया इज एंड आर अब मुझे बताओ मैं चेक कर रहा हूं कितने बच्चों का आंसर क्या आ रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आंसर में क्या आ रहा है मैं चेक कर रहा हूं। यहां पे सारे बच्चों का आंसर बहुत बच्चे का आंसर जो है गलत आ रहा है यहां बहुत बच्चों का आंसर गलत आ रहा है जी यहाँ पे बर्ड बोल रहा है अच्छा राधिका राधिका बोल रही है सर आंसर बी एक बोला आंसर सी बहुत बढ़िया फटाफट आंसर चेक कराओ मुझे सारे बच्चे एक सात आंसर बताइए क्या आंसर हो रहा है आप लोगों का जल्दी से जल्दी से आंसर बताइए फटाफट जल्दी से यस सर ए ए इज 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 आर ए ए आर आर इज इज शुभम विक्रांत विक्रांत कुमार विक्रांत कुमार का आंसर जा रहा है विक्रांत कुमार नीलेश कुमार शैलेंद्र कुमार वैशाली बिपेंद्र अभिनीत यादव अभिजीत यादव विजेंद्र यादव ए ए एनि यानी कि मैक्सिमम बच्चे सब सारे बच्चों के नाम पे ए लगाया कुछ बच्चों ने बी बोल रहे हैं तो यहाँ पे आंसर बहुत बच्चों का जो है ई जा रहा है ए आ रहा है बहुत बढ़िया जिनका भी आंसर ईज आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दुनिया का कोई नाउन यदि ईच एवरी आइदर ने चार वर्ड याद रखो ईच एवरी आइदर नाइदर चार वर्ड कहीं भी दिख जाए उसके बाद आने वाला वर्ब आजीवन होगा सिंगुलर यानी ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और आने वाला वर भी सिंगुलर होता है यही तो एग्रीमेंट है इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों आजीवन होता है सिंगुलर याद हुआ कि नहीं आगे देखो कॉन्सेप्ट इसका देखो तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा ईज सही हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बोर्ड पर ध्यान दीजिए पहला कॉन्सेप्ट

फिर से हमने इच लगाया इच बॉय बॉय एंड एंड फिर से हमने लगाया 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 एवरी लगाया, नो लगाया. गर्ल तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा इच बॉय इच गर्ल वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए मान लो दो बार इच नहीं लगाया एक ही बार लगाया इच बॉय एंड गर्ल इच बॉय एंड गर्ल या नो बॉय एंड नो गर्ल प्लस एंड प्लस सीधा नाउन लगा दिया तो फिर भी आने वाला जो वर्ब होगा वह सुंदर ही होगा एक बात ध्यान रखिए कि ईच एवरी जहाँ कहीं भी दिख जाए वर्ब हमेशा सुंदर ही आएगा क्या ऐसा कंडीशन है सर कि ईच एवरी भी आए और वर्ब हो जाए प्लुरल एक कंडीशन है कंडीशन नंबर थ्री जैसे मान लो कि पहले ही वी लगा दे, यू लगा देगा दे लगा दे इसके साथ हम इच लगा दें वी इच वी एवरी बी इच वी एवरी तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल क्यों क्योंकि वी, यू और दे ये हो गया प्लूरल तो इसके अनुसार देख भी लग जाएगा प्लूरल यही बड़ा कॉन्सेप्ट है इसी को समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ ये तीनों जल्दी से ना फटाफट कॉपी करो देर मत करो फटाफट कॉपी करो लिखो इसको ईच एवरी नो एंड एंड प्लस इच एवरी नो प्लस भर सिंगुलर नो बॉय एंड नो गर्ल बोलो ईच लगाऊं कि आर लगाऊं आर लगाना पड़ेगा सर नहीं सर गलत हो जाएगा नो बॉय एंड नो गर्ल वर्ब आजीवन सिंगुलर इच बॉय एंड गर्ल आर लगाऊं सर गलत हो जाएगा नो बॉय एंड गर्ल नो बॉय एंड गर्ल या नो बॉय एंड नो गर्ल फिर भी यहाँ पे क्या लगेगा इजी लगेगा लेकिन वी इच आर वी यू एवरी आर दे इच आर तो इस तरह से आपको बोलना है तो इसको फटाफट उतारिए एक एक कर एग्जाम्पल दे रहा हूं कॉपी कर ले सबने फटाफट डन हो गया बी 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 समझ में आ गया जो आप बोले समझ में आ गया कॉपी करिए जल्दी से एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं आपको जल्दी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है बहुत सुंदर उतार लिया होगा पेन सबका चल रहा है तेज मैं साइड में हूं बहुत बढ़िया एक एक बच्चे का तो एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से जल्दी से एग्जाम्पल दे रहा हूं देखिए जा बोर्ड पे वी वी ईच आर अब देखिए वी के अनुसार क्या, क्या हाँ पे आ गया आर तो वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट इन आवर वर्क बोलते रहिए वी ईच आर वेरी ऑनेस्ट इन आवर वर्क समझ पा रहा हो अब देखिए गौर से हमने यहां पे बोला नो बॉय एंड नो गर्ल नो नो बॉय एंड गर्ल नो बॉय एंड गर्ल बोलो इज लगाऊ कि यार लगाऊ इज़ लगाइए नो बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू स्कूल नो बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू स्कूल तो यहाँ पे देखो इज आया है क्योंकि नो बॉय एंड नो गर्ल तो इसके अनुसार भव्य क्या लगता है सिंगुलर यहाँ पे वी आया है इसलिए यहाँ पे आ रहा है तो ये समझना है तो ईच एवरी आइदर नाइदर जहाँ कहीं भी आता है आने वाला भर वाजीवन क्या होता है सिंगुलर लेकिन उस केस में वी यू दे अगर आ रहा है सब्जेक्ट उसके बाद ईच और एवरी आ रहा है तो भव्य क्या लग जाता है

है फ्यू है समझ पा रहे हैं सब लोग तो सब कॉपी कर रहे हैं आपको फ्यू ऑफ यू फ्यू फ्यू ऑफ यू द फ्यू राइट तो हमने कहा ऑल है मेनी है बोथ है फ्यू है ए फ्यू है द फ्यू है इन सेवरल है इन सब शब्दों के बाद जो आने वाला नाउन है ये नाउन होगा प्लूरल ये एक्चुअली मैं पढ़ा क्या रहा हूँ पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप के यहाँ पे डन सर बहुत सुंदर एक एक बच्चे आप लिख पा रहे हो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लिख पाते हो जब आप लिख पाते हो तो मजा आता है क्रांति सारी इंग्लिश ऐप इसका नाम ही है क्रांतिकारी आपके अंदर क्रांति फैलाएगा और करके पढ़ने के प्रयास करिए जब क्लास शेयर करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा दोस्तों के साथ मिलजुल पढ़ोगे तो आपको अलग आनंद आएगा और फिर डिस्कस करके पढ़ोगे कि भाई इसके साथ क्या लेगा क्या कैसे लेगा ठीक है तो अब आप ध्यान दीजिए आगे हमने यहां पे कहा कि और है मेनी है बोथ है सेवरल है फ्यू है ए फ्यू है द फ्यू है के बाद नाउन प्लुरल वर्बी प्लुरल तो ये सब कांसेप्ट क्या करना है आपको बिल्कुल दिमाग में याद कर लेना है बिल्कुल फिट कर लेना है जैसे एग्जांपल हमने दिया कि मेनी एग्जांपल दिया हमने कि मेनी बॉयज अब मेनी बॉयज खाली स्थान यहाँ दे दिया प्लेइंग ठीक है ऑप्शन मान लो ए दे दिया वाज ऑप्शन बी दे दिया वर तो जाहिर सी बात है भाई कि मेनी बॉयज है तो डब्ल्यू आर ई वर ही तो आएगा ना और क्या आएगा तो मेनी बॉयज मेनी बॉयज वर प्लेइंग ऐसे तो होगा इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा तब जाके आपका काम सुधार पाएगा तो मेनी बॉयज वर प्लेइंग ठीक है आगे देखिए अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप हमने लिखा अ फ्यू स्टूडेंट्स अ फ्यू का हिंदी क्या होता है फ्यू अ फ्यू द फ्यू पहले इसको समझना है कि फ्यू अ फ्यू द फ्यू आपको पढ़ाया होगा में कि फ्यू का प्रयोग करते हैं नगण्य के लिए ना के बराबर लेकिन फ्यू नी प्लूरल है. Few, a few, the few. ए तीनों आजीवन प्लूरल इसके बाद आने वाला वर भी लगता है प्लूरल तो फ्यू ए फ्यू द फ्यू तो फ्यू के सब मतलब होता है नगण्य न के बराबर ए फ्यू का मतलब कुछ थोड़ा और द फ्यू का मतलब जो थोड़ा सब तो जो थोड़ा सब के लिए हम द फ्यू का प्रयोग करते हैं राइट तो हमने एग्जाम्पल मानो दिया कि द अ फ्यू मैन आर सिटिंग अ फ्यू अब यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा एम ए एन और लिखा एम ई एन अब बताओ क्या हो जाएगा तो अ फ्यू मैन बोलूँ क्या फ्यू मैन बोलूँ तो ध्यान देना बेटा अ फ्यू मैन गलत हो जाएगा

सिटिंग इन द रूम ठीक है अ फ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम इस तरह से काम लोग करते हैं इनको और साफ ले देता हूं ताकि आप समझ में और बेहतर आ जाए अ फ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम तो फ्यू स्टूडेंट्स यहां पे हमेशा स्टूडेंट अगर करोगे स्टूडेंट तो गलत हो जाएगा तो ये ध्यान देना है इज लगाओगे गलत हो जाएगा तो ये ध्यान रखना है अफ्यू स्टूडेंट्स इज गलत अफ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम ठीक है बच्चे यहां तक बात समझ में आप सबों को आ रहा होगा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं समझने का प्रयास करते हैं अगला क्या कहता है नंबर मेनी के बाद ध्यान दीजिए तीन कॉन्सेप्ट है मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल प्लस भर भी लगाते हैं प्लुरल ये ध्यान दीजिएगा प्लूरल कौन सा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा काउंटेबल नाउन मेनी के बाद काउंटेबल प्लूर नाउन होता है पहला कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि मेनी के साथ ए लगा दिया जाए तो नाउन हो जाता है सिंगुलर ध्यान दीजिएगा मेनी के साथ यदि ये, ये लगा दिया जाए तो हो जाएगा सिंगुलर नाउन मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन प्लस भर भी आ जाएगा सिंगुलर यानी मेनी के साथ यदि ये, ये लगा दिया जाए तो नाउन होगा सिंगुलर प्लस भर भी होगा सिंगुलर, सिंगुलर. तीसरा कहते हैं यदि वर्ड है मच मच के बाद अगर नाउन लगाया जाए तो वो नाउन होगा अनकाउंटेबल क्या होगा बेटा अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर प्लस भर भी लेगा सिंगुलर ये बात समझा बच्चे हमने कहा फिर समझा रहा हूं आपको कि मच के बाद और बढ़िया समझाता हूं मच के बाद ध्यान दीजिएगा मच के बाद अगर नाउन आता है मच के बाद यदि नाउन आता है तो अनकाउंटेबल आएगा सिंगुलर नाउन प्लस भर भी आएगा तुम्हारा क्या सिंगुलर यानी मच के बाद नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता मच प्लस नाउन कैसा नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन प्लस भर भी सिंगुलर तो ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखिए मच प्लस नाउन प्लूरल नहीं हुआ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर मेनी के साथ ए लगा दो तो सिंगुलर नाउन वर्ब सिंगुलर मेनी के साथ नाउन लगा दो तो प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल ये तीन कॉन्सेप्ट है तो ये तीन कॉन्सेप्ट बात समझने का प्रयास करिए अब यहां पे देख यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं उतार लिया सबने कॉपी करो आज रुकूंगा नहीं आज तेज चलूंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए आप सर वो कैबलरी फ्री नहीं हुआ हो जाएगा वो कैब कब सब फ्री कर दूंगा आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया, किया है ना तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड किया तो सारा वो कैब फ्री करने जा रहा हूं बिल्कुल चिंता ना करें सारा वो कैब फ्री होगा बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे आप तो एक बार आपको बढ़िया से डाउनलोड कर करके रखना है उसमें सर्च करना है कहाँ पे क्या है ऐप भी फ्री होगा वो क्या फ्री होगा चिंता बिल्कुल नहीं करना ठीक है आ जाइए यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं नया बैच न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का दस मार्च से ग्यारह बजे दस मार्च ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप दिल्ली आना चाहते हैं दिल्ली आ जाइए दिल्ली अब दूर नहीं है आप दिल्ली आ करके भी क्लास कर सकते हैं ठीक है नवनीत कुमार अनोन मयंक यादव तो आप दिल्ली आकर के भी पढ़ सकते हैं और मयंक जी दिल्ली भी आकर पढ़ सकते हैं आप ठीक है अभिषेक यादव थैंक यू सो मच सर दिल्ली आकर पढ़ सकते हैं आप दिल्ली चाहें दिल्ली भी क्लास कर सकते हैं दिल्ली अब दूर नहीं है दिल्ली आ पढ़ सकते हैं अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो आप अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं 10 मार्च से 11 बजे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बज शुरू हो रहा है अब मेरे पास कोई काम नहीं पढ़ाने के सिवा अब सीधा मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा तो अब आपको बिल्कुल डरना नहीं बिल्कुल चिंता नहीं करना है बस बढ़ने का पढ़ने का प्रयास करना है एग्जाम्पल देखिए यहां पे पहला एग्जाम्पल मैनी ए मैन मैनी मैन वॉज अरेस्टेड मेनी अ मैन वॉज अरेस्टेड मैनी अन यानी बहुत सारे आदमियों मेनी एक आदमी अरेस्टेड किया गया ठीक है अब हमने कहा मैनी पेन pain की पेन्स मैनी पेन्स आर गुड बहुत सारे कलम अच्छे हैं मैनी पेन्स आर गुड ठीक है अब बोल सकते हो देयर इज मच वाटर इन द जग today. Many boys are तो पहला तो हजारों एग्जाम्पल बोल सकते हो डरने वाली कोई बात है ही नहीं तो यहाँ तक कुछ भी आप समझ सकते हो कुछ ही बोल सकते हो कोई issue है ही नहीं एग्जाम्पल फटाफट पेन चल रहा है आप सब का सब लिख रहे हो सब उतार रहे हो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है पेन फटाफट चलाते रहिए मेनी अ मैन वॉज अरेस्टेड ठीक है बस कोई भी डाउट हो तो डाउट नंबर पे कॉल करिए कोई परेशानी हो पूरा क्लास फाउंडेशन क्लास कर रहे कोई दिक्कत है तो आप कॉल करके व्हाट्सअप करिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए अगला एक वर्ड है बेटा देयर ये देयर क्या कहता है वो ध्यान दीजिए देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हो और आर भी लगा सकते हो अगर आर का मतलब वर भी लगा सकते हो वाजबी देयर वाज भी लगा सकते हो पास्ट होगा तो वाज का मतलब इज यहाँ पे वर भी लगा सकते हो तो तोर के साथ आर भी आता है इज भी आता है अगर इज लगाया तो नाउन तुम्हारा आ जाएगा सिंगुलर और अगर आर लगाया तो नाउन आ जाएगा तुम्हारा प्लूरल ये बात समझ में आया आगे डॉट 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 कर दो तो देअर के साथ सिंगुलर भी आता है और देअर के साथ प्लूरल भी आता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है उतार लिया इसको जल्दी से उतारिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एक एक पार्ट आगे बढ़ना है हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट भरव एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट सिंटैक्स है थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट भर्व के रूल को पढ़ना है सब्जेक्ट भर्व के रूल के तहत हम लोग को आगे बढ़ने का प्रयास करना है जिसके तहत हम लोग इसके प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल यानी सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि एग्रीमेंट कैसा होता है राइट right बेटा तो यहां तक आप काम करोगे आगे सीखने का प्रयास करोगे एग्जाम्पल पे चलते हैं लिखिए देयर इज देयर इज अ बॉय देयर इज अ बॉय इन द हॉल देयर इज अ बॉय इन द हॉल फिर हमने क्या कहा देयर आर फाइव बॉयज इन द हॉल है ना भाई तो देयर आर फाइव बॉयज यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो देयर नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन भाई तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है बॉयज है देयर आर फाइव बॉयज था तो आर लगा बॉय था तो इज लगा यही तो समझना था यानी देयर से कोई मतलब नहीं था यहाँ पे मतलब था फाइव बॉयज है और मतलब था बॉयज से यहाँ पांच लड़के थे तभी तो यहाँ पे आर लगा है ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चे एक एक बच्चे जब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं अभी तो क्लास आपको देने का प्रयास कर रहा हूं चूंकि एग्रीमेंट टॉपिक है और एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब के बीच में तालमेल ठीक है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं सीखने का प्रयास करते हैं ठीक है बेटा उतार लिया यहां तक ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट ठीक है अगला कॉन्सेप्ट होगा कि द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल अब हैज लगाए कि have लगाएं। तो आर्टिकल एक नाउन जितना भी होगा तो एक ही वो आजीवन होगा सिंगुलर तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है अगला वो समझना प्रयास कीजिए कॉन्सेप्ट कहता है कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ध्यान दीजिएगा आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा ये ध्यान रखना लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा लगाएं कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फिर से आर्टिकल प्लस नाउन तो आने वाला जो वर्ब होगा वो हो जाएगा प्लुरल क्योंकि आर्टिकल कितना है एक है तो वर्ब क्या लगा सिंगुलर आर्टिकल कितना है दो है तो वर्ब क्या लगा प्लूरल यानी दो आर्टिकल का मतलब दो नाउ एक आर्टिकल मतलब एक नाउ यही तो कॉन्सेप्ट है इसी को समझना है आपको द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल यहां पे ध्यान दीजिए क्या दिया हमने डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल तो द दारे, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज भी दिया है भी दिया हैव गोन टू पटना हैव गोन टू पटना अब देखिए से द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज गोन टू पटना अगर यहां पे डायरेक्टर कितने हैं एक है प्रिंसिपल कौन है वही है यानी वही डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है एक ही आदमी डायरेक्टर के पोस्ट पे है और वही व्यक्ति प्रिंसिपल बना हुआ है इसलिए हैज वाला सही होगा हैब लगाना गलत होगा ये बात समझ में आपको आ गया होगा द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज गोन टू पटना ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट पहला वाला कॉन्सेप्ट यहां तो उतार लिया सबने जल्दी से कॉपी करी फटाफट ठीक है फाइव मिनट्स बॉय नहीं हुआ होगा सर ठीक है चलो लिख लिया तुमने जियो ओके okay, सर कॉपी कर लिया बहुत बढ़िया सारे बच्चे कॉपी कर रहे हो इज 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 ईज आगे बढ़ो फली से हैज हैज होगा ना बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तैयारी चला सारे बच्चों का बहुत बढ़िया डन 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 बहुत बढ़िया सारे बच्चे अमित कुमार सुमित कुमार अभिषेक कुमार अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया नेहा नेहा खरी हैज नेहा खरी हैज बता रही है बहुत बढ़िया नेहा गॉड ब्लेस यू तैयारी आपकी अच्छी चल रही है नेहा बहुत बढ़िया रूबी कुमारी रूबी कुमारी का अच्छा है सर सुपर सर अभिषेक यादव ओके सर अंश कुमार बहुत सुंदर डी मनीष कुमार यादव मनीष सर चमक दमक समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया सर धमक धमक <laughs> बहुत सारे बच्चे बहुत सर आनंद आ रहा है जयप्रकाश जयप्रकाश जी बहुत बढ़िया जयप्रकाश बहुत बढ़िया सॉरी सर आई कांट कम दिल्ली बिकॉज आई एम इन क्लास एट्थ ओके अभिषेक कुमार कहते हैं सर क्लास एट में पढ़ता हूँ दिल्ली नहीं आ सकता कोई बात नहीं दिल्ली नहीं आ सकते कोई बात नहीं मैं आपको आपके मोबाइल पे घर बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना तो डोंट वरी आपके मोबाइल पे घर बैठ के क्लास चलेगा आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं तभी आइए घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं कोई इशू नहीं है आप बिल्कुल टेंशन ना लें घर बैठ के पढ़िए अपने मोबाइल पे पढ़िए लेकिन फेस टू तो फेस का आनंद अलग है इसलिए बुलाता हूं ठीक है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है मैं भी हूँ बहुत बढ़िया मुझे भी मिलेगा मज़ा आ गया सुपर सर बहुत बढ़िया सारे बच्चे पढ़ते रहिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप क्यों बनाया हूँ ताकि उसमें हर बच्चे को बहुत कुछ फ्री दे सकूँ और हर बच्चे में क्रांति फैला सकूँ इसलिए तो दिया हूँ चलिए देखो तालिए इसको डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज़ ग टू पटना तो यहाँ पे आप देखिए बोर्ड पर नज़र टिकाय रखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ मिटा दिया इसको मिटा दिया यहाँ पे हमने मिटा दिया यहाँ पे सब कुछ रखा से और यहाँ पे हमने एक ऐड कर दिया फिर से द डायरेक्टर और यहाँ लिखा एंड द प्रिंसिपल द डायरेक्टर देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल अब बताइए यहाँ पे क्या लगाऊ हैगा जल्दी से तो आप बताइए एक द लगाने के कारण यहां पे द लग गया यहाँ पे द लग गया तो यहाँ पे हैज लगाना गलत होगा अब इस सेंटेंस कैसे सही होगा हैव लगेगा अब समझ में आपको आ गया होगा कि द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल हैव गॉन टू पटना अब समझ में आप सबको आ गया होगा अब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा इस तरह से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आपको आएगा बेहतर तरीके से द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल कॉपी कर लिया सबने बहुत बढ़िया एक बच्चे कॉपी कर लीजिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल पटना तो द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल यहाँ पे हैव होगा हैव गॉन टू पटना होगा तभी सही करना होगा बढ़ना गलत हो जाएगा ठीक है कॉपी कर लिया ठीक है बच्चे बहुत सुंदर अगला कॉन्सेप्ट चलते जल्दी से यहां तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कहता है देखिए हैव सर है सर सर मेरा नाम लीजिए कौन है भाई मनीष मनीष जैन मनीष जैन देखिए दो चीज पे ध्यान देना है आपको मनीष जी पढ़ाई पे कैसे फोकस कैसे करना है ठीक है तो जब भी आपको पढ़ाया जाए मनीष मंगीश यादव मंगीश झा बहुत बढ़िया इतना छोटा नाम है ना बहुत छोटा बहुत छोटा सा नाम है लेकिन फिर भी मैं पढ़ पा रहा हूँ बहुत तेज से नाम आपका जो है बहुत तेज ऊपर बढ़ जाता है है ना सर क्या हम बाद में शुरू से क्लास ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल बाद में शुरू से क्लास ले सकते हैं नंबर के साथ नाउन प्लुरल होगा सर बिल्कुल होगा नंबर के साथ नाउन हमेशा होता है प्लुरल ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा है ना रेड एंड ब्लैक काउज आर इन द फील्ड हाँ सर क्या हम बाद में बिल्कुल नंबर के साथ ले सकते हैं बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि रेड एंड रेड एंड ध्यान दीजिएगा रेड एंड ब्लैक काउस आर इन द फील्ड कॉन्सेप्ट क्या कहा भाई तो आपका कह सकते कॉन्सेप्ट कि एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा क्या काम ने एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव तो इसके बाद जो है अगर तुम कोई नाउन लगाते हो ऐसा कर दो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर कोई आ रहा हो तो वो प्लूरल होगा और भर भी तुम्हारा प्लूरल ही होगा एक कॉन्सेप्ट है देखा रेड एंड ब्लैक काउस देखिए पे नाउन क्या है प्लुरल है अब यहाँ पे आर ही लगेगा भर भी क्या है प्लुरल है ये भी एक अलग रूल है आप पूछो ना ये आपका रूल बनके तैयार हो गया ये कॉन्सेप्ट बनके तैयार हो गया इसको भी उतार लीजिए फटली से इसको भी कॉपी कर लीजिए फटाफट ठीक है इसको कॉपी करिए फटाफट सर मेरा नाम लीजिए मनीष जैन यस सर कब खत्म होगा बिल्कुल चार से पांच क्लास में आपका कोर्स खत्म कर दूंगा अभी एग्रीमेंट चल रहा है एग्रीमेंट के बाद बचा है सब फिनिश कर दूंगा चिंता ना करिए सैटरडे संडे सब खत्म कर दूंगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है सर प्लीज प्रोनाउन प्रोनाउंस का क्लास अच्छा का क्लास चाहिए आपको कि उच्चारण कैसे करें है ना तो सब चीज का क्लास दूंगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है मनीष जी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है गुड्डू गुड्डू कुमार गुड्डू कुमार सर मेरा नाम लीजिए मंगलेश मयंक यादव मनीष बहुत सुंदर ठीक है जितने बच्चे सब पढ़ रहे हैं सारे बच्चे जो आप यूट्यूब पे लाइव देख पा रहे हैं सब लोग क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आप लाइव पढ़ रहे हो देख रहे हो तो ये जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपको दो चीज ध्यान रखना है कि आपका बेस कैसा है तो मैं आपको डीएसएल स्पोकन इंग्लिश पर भी डीएसएल स्पोकन पर हमने टें से पहले पूरा बेसिक दिया है पांच छ क्लास का तो पूरा जो बेसिक क्लास है ना तो पूरा बेसिक को आपको सीखना है ठीक है तो पूरा बेसिक जब आप सीखोगे तब आपको आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी का क्या कॉन्सेप्ट है तो पूरा बेसिक क्लास दिया हूं जड़ से सीखने के लिए सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो एक बार डीएसएल स्पोकन पर मेरा ही चैनल है उसको देख लेना और एक बार जो है ये डी एस एल इंग्लिश अपना जो चैनल है जो आप पढ़ रहे हो जिस पर तो डीएसएल इंग्लिश जो अपना चैनल होता है इस पर भी रात को नौ बजे आता हूँ और डी एस एल स्पोकन पर भी आता हूँ तो ये दोनों चैनल भी आपको देखना है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल पर भी ध्यान देना पड़ेगा तब जाके आपका अंग्रेजी और स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दोनों साथ साथ पढ़ना है तब जाके इंग्लिश और बढ़िया बनता है धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो चला जाएगा और मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि सिखाता रहूंगा सैटरडे संडे मंडे जैसे भी होगा कोर्स जल्दी आपका समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है सर मुझे आऊंगा सर आपसे आपका कोई लोगो है सर मिलने आऊंगा बिल्कुल मिलने आइए आप आप जितने बच्चे हैं सब मेरे से मिलने आइए ठीक है स्पोकन भी करना है मुझे बिल्कुल स्पोकन हो फाउंडेशन इंग्लिश का कोई पार्ट हो अब कुछ भी करना है आप करने आइए और फिर मैं आपसे काम करता रहूंगा एक बजे मैं लाइव आ रहा हूं तो एक बजे लाइव आप देखिए कोई दिक्कत नहीं स्पोकन पर एक बजे लाइव आ रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कल भी आऊंगा आज भी आऊँगा इस तरह से काम चलेगा आपका तो मिलते हैं फिर कल आपसे आप सबका आप बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू आज इतना ही बाय आज इतना ही चलेगा ठीक है थैंक यू